गाइज मैं आ गई हूँ अपने टमाटरों के पेड़ के पास में। तो यहाँ पर लग रहे हैं काफी सारे टमाटर, ढेर सारे। पहले तो मैं आपको टमाटर ही दिखा देती हूँ कि यहाँ पर जो है ये पेड़ लगे हुए हैं मेरे किचन गार्डन में, और साथ में जहाँ पर ये टमाटर लगे हुए हैं ना, तो वो जगह भी दिखा देती हूँ मैं। टमाटर काफी पक चुके हैं, ढेर सारे रेड रेड टमाटर हो चुके हैं किचन गार्डन में। और इनकी जो कटिंग होती है ना, तो मैं आपको दिखा देती हूँ, कैची से ही होती है, सीजर से इनकी कटिंग, हाथ से काटते नहीं है इनको, वरना तो टूट जाते हैं। और ये टमाटर है ना, इनको इस्तेमाल करते हैं पिज्जा बर्गर बनाने में, काफी एक्सटेंसिव होते हैं ये बाहर। हाँ जी, तो हमने सोचा कि भाई तोड़ लें और आप लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हम यहाँ पर हमने टमाटर काटने शुरू कर दिए हैं और सीजर की हेल्प से हम टमाटरों को काट रहे हैं। तो थोड़ा सा ना यहाँ पर तेज धूप है, तो पूरब ने लगाया हुआ है अपने ऊपर, मैं दिखा देती हूँ कि बंद है अपने कवर के अंदर। और मैं ले लेती हूँ टमाटर, ये देखो टमाटर की कटिंग चल रही है भाई। और हम तो सिर्फ वीडियो बना रहे हैं, हम कोई टमाटर नहीं काट रहे हैं, और एंजॉय ले रहे हैं पूरा, कटते हुए टमाटरों को दिखा रहे हैं आप लोगों को। ढेर सारे टमाटर निकलने वाले हैं आज इस बेल से। टमाटर का पौधा नहीं है ये, बेल होती है। तो ऐसे मैं आपको दिखा दूं, देखो कितना ऊंचाई पर जा रही है ये, देख रहे हैं आप, इतना लेंथ है इसकी यहाँ तक, जहां तक मैं आपको दिखा रही हूँ, नीचे से लेकर और यहाँ तक। एक ही पेड़ काफी है, आप भी इसको अपने घर में जरूर लगाइए भाई, और इसका आनंद लीजिए इस टमाटर का। टमाटर हमारे तोड़े जा चुके हैं, सारे टमाटर मैं आपको दिखा सकती हूँ, ढेर सारे हैं। और यहाँ पर हम छटाई कर रहे हैं टमाटर की, जो पके पके टमाटर है ना एकदम, उनको अलग निकाल लेंगे। और यहाँ पर बैठी हैं पूर्वी, अपना मुंह छुपाए हुए क्यों भाई, अफलातून क्यों बन रही हैं आप इतना, थोड़ा सा मैंने सनस्क्रीन नहीं लगाई आज। ओहो क्या ही बात है भाई, यार मम्मी इसमें खुजली क्यों लग रही है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा होता है इसमें ना, काटी टाइप सी होती है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पड़ेगा क्या नहीं ना। और इसके बाद हम क्या करते हैं इसका, वो भी दिखाएंगे। ऐसे टमाटर ले लेते हैं नहीं, इसको थोड़ा हटा दो, ये दो दिन बाद पकाते हैं ऐसे। तो देख रहे हैं गाइस, मैं आपको दिखा देती हूँ, टमाटर की पूरी टोकरी भर चुकी है हमारी, देखिए बिल्कुल मस्त एकदम। अगला प्रोसीजर होगा, ये टमाटर अलग होने के बाद ना इनको धोकर साफ करना है, और आगे मैं इनका क्या करने वाली हूँ मैं वो भी दिखाऊंगी। चेरी टमाटर को मैंने धोकर साफ कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो ये टमाटर ना मुझको प्रिजर्व करके रखने हैं लॉन्ग टाइम तक, थोड़ा सा ना। अगर आपके पास ये थोड़े टमाटर हैं तो आप विद डंठल के रखें, जैसे कि ना यहाँ पर है ये, तो डंठल के साथ रहने से ना ये लॉन्ग टाइम चलते हैं टमाटर। अगर आप तोड़ के रखेंगे तो लॉन्ग टाइम नहीं चलेंगे, चाहे आप फ्रिज में रखें या फिर बाहर रखें। और ये मुझे थोड़ा सा लॉन्ग टाइम चलाकर रखने हैं, तो मुझे क्या करना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो इनको कैसे प्रिजर्व करूंगी मैं, यहाँ पर मैंने कढ़ाई में सरसों का ऑयल डाला है, यहाँ पर 2 चम्मच ऑयल है, और ऑयल के अंदर कुछ ये डालना। तो अब मैं इसके अंदर डालती हूँ टमाटर जो कि साफ है। अब आप सोचेंगे कि भाई इन्होंने तो डायरेक्ट टमाटर ऐसे ही डाल दिया, तो ग्राइंड भी नहीं किया है, तो इस टमाटर को ना ग्राइंड करने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। 5 मिनट तक मैं इसको ऐसे ही कढ़ाई के अंदर पड़े रहने दूंगी टमाटर को, और फिर मैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ ऐड करूंगी वो आपको दिखाऊंगी। 5 मिनट बाद मैंने देखा है कि टमाटर की प्यूरी ना कुछ इस तरह की बनकर तैयार हो गई है, तो इसको ग्राइंड करने की भी जरूरत नहीं रही है, आप देख सकते हैं। गैस को मैं सिम कर दूंगी, और सिम करने के बाद 1 बड़ा चम्मच विनेगर लिया है मैंने यहाँ पर, आपके पास में घर में ब्लैक सिरका हो, ब्लैक विनेगर हो तो आप उसको भी डाल सकते हैं। तो इसके अंदर डाल दूंगी, जो कि इसको ना प्रिजर्व करने के काम आएगा। साथ में डालूंगी 1 चम्मच नमक, जिसको हम घर में इस्तेमाल करते हैं। डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी मैं, और हमारी जो प्यूरी है अब चलेगी लॉन्ग टाइम, इसको प्रिजर्व करने का काम करेंगे दोनों चीज, नमक और विनेगर दोनों ही, है ना, है काम की ट्रिक बहुत ज्यादा। और आप लोग बचेंगे रोज रोज की प्यूरी बनाने के झंझट से भी, तो इस तरह जरूर बनाइए और अपने फ्रिज के अंदर रखिए भाई। यहाँ पर हमारी जो प्यूरी है कंप्लीट बनकर हो गई है तैयार, गैस को मैंने बंद कर दिया है। अब इसका ना हम ठंडा होने का इंतजार करेंगे। ठंडा होने के बाद मैं इसको एक कांच के जार में डाल दूंगी, और इसको रख देंगे फ्रिज में, और ये लॉन्ग टाइम चलेगी। रोज रोज के झंझट से मैं बच चुकी हूँ प्यूरी बनाने के से। और अब आप सोचेंगे कि टमाटर थोड़े थे तो प्यूरी बनाने की जरूरत क्या थी इनको, ये तो ऐसे भी यूज में किया जा सकते थे, इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन नहीं जी, ये टमाटर बहुत ज्यादा खट्टा होता है ना, तो इसलिए लॉन्ग टाइम मुझको इसको चलाना है, और एक सब्जी में ना, एक दिन की सब्जी मतलब एक बार के सब्जी में सिर्फ इतना ही डालना है, ये सिर्फ इतना ही, क्योंकि सब्जी को ना फिर बहुत ज्यादा खट्टा कर देता है इसलिए। तो आज की जो वीडियो है मेरी, आपको कैसी लगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज्वाइन करना ना भूलें, जिससे आने वाली मेरी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।